आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें क्या थी उस पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से इस बुलेटिन को ओपन करते हैं। दरअसल बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेता खालिदा जिया के खिलाफ राजद्रोह का केस चल सकता है। बांग्लादेश के कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 1971 के युद्ध में शहीद हुए लोगों पर दिए गए बयान को लेकर खालिदा जिया के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चल सकता है। एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खालिदा जिया के बयान को सरकार से क्लियरेंस लेकर पैनल कोड के सेक्शन पीनल कोड के सेक्शन 123 के तहत रखकर जांच करने के आदेश दिए। यह आदेश 70 साल के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के स्लैंडरस यानी कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई को कलंकित करने वाले बयान को लेकर है, जो चार्जेस लगाए गए थे उनकी ब्रीफ हियरिंग के बाद दिए गए हैं। आपको बता दें कि खालिदा जिया ने कहा था कि उन्होंने 1971 की लड़ाई में शहीद हुए लोगों की संख्या को लेकर संदेह है, और ये भी कहा है कि बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अखंडित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, ना कि आजाद देश के। अगर खालिदा जिया पर यह आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें 10 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर भारत से उस पार बांग्लादेश से आ रही है। खालिदा जिया पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है। खालिदा जिया पर राजद्रोह का केस, माफ कीजिएगा, चल सकता है। आरोप क्या है? 1971 में अपने बयानों को लेकर जो बात सामने निकल कर आई है, जिस तरीके से खालिदा जिया ने बयान दिए हैं, उस बयान को लेकर जांच होगी और आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर जांच सही दिशा में जाती है और आरोप सही पाए जाते हैं तो खालिदा जिया पर, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके विपक्ष की कद्दावर ताकतवर नेता हैं, उन पर राजद्रोह का केस चल सकता है। और अब सीधे भारत का रुख खबर राजस्थान से, जहां के जैसलमेर में एक संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस के पकड़े जाने के मामले में केस दर्ज हो चुका है। बताया जा रहा है कि आईबी और एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन में संदिग्ध जासूस को पकड़ा है। संदिग्ध को पूछताछ के लिए जयपुर लाया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि पकड़ा गया जो संदिग्ध है जासूस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इंटर स्टेट इंटेलिजेंस का एजेंट है। ये खबर सामने निकल कर आ रही है। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौन है ये शख्स मनीष? जी, ये जो है वो सरकारी कर्मचारी है, पेशे से पटवारी है, और ये सेना में पूर्व में नौकरी करता था। अभी ये सेना से रिटायर होकर आया था और एक्स आर्मी मैन के कोटे में इसे पटवारी पद पर नियुक्ति दी गई थी। ये खेतोली इलाके में पटवारी के पद पर तैनात था और यहाँ पर ये अपनी ड्यूटी के दौरान जो है वो पाक एजेंसी ISI के लिए जासूसी का काम किया करता था। जैसलमेर के आसपास होने वाले सभी सैनिक मूवमेंट, जितने भी युद्धाभ्यास और जो अन्य सैन्य मूवमेंट होते थे, उन सब की जानकारियां ये पाकिस्तान तक भिजवाने का काम किया करता था। और इसके अलावा अन्य कई दस्तावेज भी जो है वो इसके पास से मिलने की जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके पास इसके जो मोबाइल है उससे व्हाट्सएप और इससे स्काइप अकाउंट और इन सब की भी जो है वो जांच की गई है। उसमें भी ये पाया गया है कि ये इन माध्यमों से सूचनाएं पाकिस्तान भेजा करता था, और जब जो है वो पूछताछ के दौरान इसके खातों की, बैंक अकाउंट्स की तलाशी ली गई तो उसमें भी पाया गया है कि पाकिस्तान से इसके खातों में पैसा आया हुआ है। तो कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये पिछले लंबे समय से सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। फिलहाल पुलिस के कब्जे में है ये जासूस और पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और संभवतः और कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी जो है वो यहाँ लग रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी निकलकर बाहर नहीं आया है। जो सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और ATS और जो ज्वाइंट टीम इसके साथ इंटरोगेशन कर रही है, उस इंटरोगेशन में जो है वो सुबह तक काफी जो है वो बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आएगी। इसके और अन्य कोई साथी बिल्कुल मोडस ऑपरेंडी क्या था, कौन साथी थे, किसका संरक्षण था, ये चीजें निकल कर आएंगे। बहरहाल अभी तक की तस्वीर आपने हमें बताई और तस्वीर साफ भी की लगभग। धन्यवाद मनीष ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। लाहौर में प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात से बौखलाए आतंकी आका हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ साजिश रची है। आतंकी हाफिज सईद ने 24 घंटे का साइबर सेल बनाया जिसका मकसद है भारत के खिलाफ आतंकी हमला और प्रोपेगेंडा वॉर। इसके लिए हाफिज सईद ने लाहौर में सोशल मीडिया पर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस की। 2 दिन की इस टेरर कॉन्फ्रेंस का मकसद भारत के खिलाफ साइबर वॉर को नई धार देना था। इस कॉन्फ्रेंस में हाफिज सईद का बेटा तालहा शामिल रहा। आपको बता दें कि हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है। और ऐसा नहीं है, इस घटनाक्रम को हमारा होम मिनिस्ट्री पूरी तरीके से ट्रैक कर रही है। राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र में थे और उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी सूरत में आईएसआईएस को ना बर्दाश्त किया जाएगा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उससे पहले तो पनपने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारत का गृहमंत्री होने के नाते मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान दुनिया का अकेला मुल्क है जहां के हमारे मुस्लिम परिवार भी, यदि कोई बच्चा यदि सिलसिला हो रहा होता है उस बच्चे को भी रोकने का काम यदि कोई करता है तो हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम फैमिलीज के लोग करते हैं, काम को आने वाले। प्रधानमंत्री की यात्रा पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तीखा हमला बोला है। मनीष तिवारी ने कहा है कि पीएम मोदी नोबेल पीस पुरस्कार के लालच में ढोंग कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को देश को बताना चाहिए कि उनके और नवाज शरीफ के बीच क्या बातचीत हुई। क्या उनको और नवाज शरीफ को, दोनों को एक बारी फिर से जो ये नोबेल पीस प्राइज का मच्छर है कहीं वो तो नहीं काट गया? आपके प्रधानमंत्री लाहौर गए हैं तो उनमें, दोनों प्रधानमंत्रियों में क्या बातचीत हुई है? मुल्क को ये बताना चाहिए कि क्या मुल्क के जो सामरिक इंटरेस्ट है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के इंटरेस्ट है, कहीं उनसे खिलवाड़ और सौदा तो नहीं हो रहा? वहीं बीजेपी ने मनीष तिवारी को जवाब देने में देर नहीं लगाई। हमारे मित्र हैं, मैं उनको एक दिन चाय पे समझा दूंगा कि नोबेल पीस प्राइज कैसे मिलता है। वहीं अखंड भारत पर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव के बयान से बहस छिड़ गई है। राम माधव ने जहां 25 दिसंबर को इंटरव्यू टेलीकास्ट होने को मैं संयोग बताया कि यह टाइमिंग का खेल नहीं है, सिर्फ मात्र संयोग है, तो वहीं कांग्रेस और संघ को नसीहत दी कि पहले वो नफरत की राजनीति छोड़े। अब समाजवादी पार्टी का भी रिएक्शन, उन्होंने कहा राम माधव संघ की बोली बोल रहे हैं। अखंड भारत वाले बयान को पीएम नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे से जोड़े जाने पर बीजेपी महासचिव राम माधव ने सफाई दी है। राम माधव ने ट्वीट किया और अखंड भारत के मुद्दे पर सफाई दी। मेरा अल जजीरा वाला इंटरव्यू 7 दिसंबर को रिकॉर्ड हुआ था। 25 दिसंबर को पीएम मोदी की पाक यात्रा के दिन इसका टेलीकास्ट केवल संयोग। हालांकि बीजेपी के विरोधी दल राम माधव की इस सफाई से कतई संतुष्ट नहीं है। यही इस सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है, ना तो इनकी नीयत और नीति साफ है और इनके जो अलग अलग अंग हैं, इनके जो फैले हुए मापदंड हैं, वो एक दूसरे से अंतर्विरोधी बातें करते रहे। ये आरएसएस वाले हैं, राम माधव आरएसएस से अभी बीजेपी में भेजे गए हैं तो वो आरएसएस की भाषा भी भूले नहीं है। उधर बीजेपी राम माधव के बयान को पीएम की लाहौर यात्रा से जोड़ने को ही गलत बता रही है, जबकि आरएसएस से जुड़े लोग बेहद नपीतुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसका किसी तरह से लिंक नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के दौरे पर प्रधानमंत्री जो गए थे, लेकिन ये सोच जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि सारे भारतीयों की सोच है, और अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा हम लोगों के लिए एक अच्छा दिन होगा और हम तो इसको पूरे दिल से सपोर्ट करते हैं और शायद भारत का हर नागरिक इस बात को सपोर्ट करेगा। उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है। केवल 60 साल के पहले हम एकत्र थे और किसी एग्रीमेंट के द्वारा विभाजन हुआ। वैसे उस समय का सबसे बड़ा पक्ष पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी। एक साल पहले तक 46 तक तो अखंड भारत के पक्ष में थी।
बहरहाल बीजेपी भले ही राम माधव के बयान का बचाव कर रही हो, लेकिन विरोधियों के तेवर काफी तल्ख हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। वही अखंड भारत के मुद्दे पर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वीसी जफर सुरेश वाला के ने कहा है कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच बॉर्डर खत्म होना चाहिए। सुरेश वाला के मुताबिक यूरोप में ऐसा हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को विवादित मुद्दों की बजाय शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान दौरे को भी काबिले तारीफ बताया। आप यूरोप को देख लीजिए, बहुत दूर की बात नहीं है, है ना, 60-70 साल पहले। मतलब जितनी खूना मर्जी मरगी, जो जान हानि, मैं समझता हूँ 10 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, यही फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, बेल्जियम। आज वो बॉर्डरलेस है। आप फ्रांस से कब जर्मनी में दाखिल हो जाते हैं, जर्मनी से कब आप बेल्जियम में दाखिल हो गए, स्पेन में कब दाखिल हो गए, पता ही नहीं चलता। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पॉसिबल है बॉर्डरलेस, और उसका जो, या एटलीस्ट आपस में बहुत प्यार मोहब्बत हो जाए, तो उसका जो पीस डिविडेंड है वो इतना इनॉर्मस है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की अंतिम रेडियो पर मन की बात की, यानी कि 15वीं बार रेडियो की मन की बात की, लेकिन इस साल की वो आखिरी थी। देशवासियों को नए साल की शुभकामना देते हुए उम्मीद जताई कि नए साल में दुनिया आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदा और दूसरे मानव संकट से मुक्त होगी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया का एक्शन प्लान लॉन्च होगा, इससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा मौका लेकर आएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किए जाने की अपील की है। अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्पष्टता पर जोर देते हुए कहा कि इस मिशन में नागरिकों की सहभागिता बढ़ी है। पर्यटक के जो स्थान है, यात्रा के जो धाम है, प्रवासी धाम है, इस पर स्वच्छता का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में कहा कि 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच यूथ फेस्टिवल का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। पीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए लोग यूथ फेस्टिवल के लिए अपने सुझाव नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने एलपीजी गैस की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम यानी कि पहल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिलने को बड़ी कामयाबी बताया। ये बता दें कि 3 अक्टूबर 2014 को ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक प्रधानमंत्री 15 बार मन की बात का कार्यक्रम कर चुके हैं, जिस पर वो मुद्दों पर बात करते हैं, कुछ अनसंग हीरोज और इसके साथ साथ कुछ हीरोज पर बात करते हैं जो गेम चेंजर हैं। मेरे नौजवान साथियों, 16 जनवरी को भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, उसका पूरा एक्शन प्लान लॉन्च करने वाली है। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, एक खाका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 2016 का वर्ष आप सभी के लिए ढेरों खुशियां लेकर के आए। दुनिया भी संकटों से मुक्त हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे मानव सर्जित संकट हो, मानव जात सुख चैन की जिंदगी पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से गुजारिश की है कि वो विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री के इस कदम को देश भर में दिव्यांग लोगों ने सराहना उनकी की है। यूपी के कानपुर में दिव्यांग लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल पर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप पर वो झूमे। लोगों की मांग है कि अब बस रेल, बस और दूसरी जगहों पर भी विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो बेहतर है। उन्होंने कम से कम विकलांग व्यक्तियों के बारे में जो उनकी पीड़ा थी कि लोग गलत ढंग से उनको पुकार करके लंगड़ा लूला, अंधा काना इस तरह से जो कहते थे, तो अब जो दिव्यांग शब्द है उससे एक सम्मानजनक स्थिति में विकलांगजन आएंगे और उन्हें भी समाज में अच्छी तरीके से पुकारा जाने लगेगा। जो हम लोग को रेलवे, बस और भी चीज़ों में जो पेंशन में जो है, लोग हम लोग को इसी तरह से दिव्यांग शब्द दे, और मोदी जी का बहुत बहुत हम लोग
वो धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत ही सार्थक पहल है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने विकलांगों के प्रति इतना सार्थक नजरिया, इतना सकारात्मक नजरिया नहीं अपनाया है। वेलकम बैक। डीडी से घोटाले को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बयान दिया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि जिस सांधी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडी से घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे, उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में कहीं भी जेटली के नाम का जिक्र नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता एम जे अकबर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अरुण जेटली से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने खुद जो अब कमेटी बनाई, चेतन सांगी कमेटी, उसने 237 पेज की एक रिपोर्ट दी और उसमें एक बार भी एक स्थान पर भी अरुण जेटली जी पर ना तो कोई आरोप है, नाम तक नहीं है। और ये बात सरकार को पता थी, क्योंकि आज जो सरकार कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रहा है, वो सब प्रिजुडिस है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और उसका राजनीतिक एक महत्वाकांक्षा जो है और सरकार को काम करने से रोकने की कोशिश करना है। आपने हर तरह की खोज करवा दी, इंक्वायरी करवा दी, अब वक्त आ गया है कि आप इकरार कर लें, मान लें कि आपको केजरीवाल जी को, अरुण जेटली जी को पब्लिकली माफी मांगना चाहिए और कोर्ट में जाके इकरार करना चाहिए कि उनसे वाकई क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेताओं के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी जेटली को क्लीन चिट देने पर तुली क्यों हुई है। मैं पिछले 12 दिन से यह लगातार सुन रहा हूं कि जेटली जी को क्लीन चिट दे दी जा रही है। एक बार भी बीजेपी की तरफ से, अरुण जेटली की तरफ से, सरकार की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। एक बार भी नहीं कहा गया। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मुझे बता दीजिए, SFIO की जो DDCA की जजेस की कमेटी है उसके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करेंगे, जानना चाहता हूं। और जांच के पहले ही खुद को क्लीन चिट क्यों देना चाहते हैं, ये मैं उनसे जानना चाहता हूं। दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 1 जनवरी से गाड़ियों पर इवन ऑड का फॉर्मूला लागू होगा। दिल्ली सरकार इवन ऑड फॉर्मूले को कामयाब बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। केजरीवाल सरकार इसके लिए वॉलंटियर्स की मदद लेगी। वहीं व्यापारी संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आरोप लगाया कि इस फैसले से कारोबार तबाह हो जाएगा। डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से हमारे जो SDM है, ADM है, जो तहसीलदार हैं, ये जो अधिकारी हैं, उनको भी अथराइज किया जा रहा है। इनके साथ में, इन अधिकारियों के साथ में भी और पुलिस को भी जहां ज़रूरत पड़ेगी, करीब 10,000 के लगभग हमारा टारगेट है कि सिविल डिफेंस की भर्ती चल रही है और उन सिविल डिफेंस को अलग अलग टीम में हम उनके साथ लगाएंगे जो उनका वो सहयोग करेंगे। उसके अलावा हम NCC के लोगों से भी बात कर रहे हैं, तो ये जो अथराइज लोग होंगे चालान काटने के लिए, उनके साथ ये सहयोग करेंगे। देखिए, आप तो व्यापारी की बात कर रहे हैं, एक आम आदमी भी यदि जेब में थोड़े से पैसे लेकर के जाए तो उसको हर वक्त डर लगा रहता है कि पता नहीं वो अपने गंतव्य तक सही हालत में पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। और व्यापारी के विषय में सब जानते हैं कि जब वो घर से निकलता है तो उसके पास पैसे होते हैं, जब वो अपनी दुकान शाम को बढ़ा करके निकलता है तो उसके पास में पैसे होते हैं, तो उसकी जान माल की सुरक्षा आखिरकार कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और दिल्ली के व्यापारियों में ऑड इवन को लेकर के बेहद एक चिंता है। इवन ऑड फार्मूले को कामयाब बनाने के लिए DTCA ने भी कमर कस ली है। इसे कामयाब बनाने के लिए DTCA 2300 एक्स्ट्रा बसें सड़कों पर उतारेगी। इसके लिए स्कूल बसेस और चार्टर्ड बसों का सहारा लिया जाएगा। साथ ही DTCA ने अपनी सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर DTCA की करीब 4500 बसें चल रही हैं। इसके लिए जो तैयारियां हैं वो हमने करीब, हमारी जो अपनी बसेस हैं 4,500 का फ्लीट है हमारे पास, तो उन बसेस को हमने हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको डायरेक्शंस दी हैं, उनसे बैठ के मीटिंग करी है। और इसके अलावा हम जो प्राइवेट बसेस, चार्टर्ड बसेस चलती हैं दिल्ली में, जो स्कूल बसेस हैं, उनको भी हायर कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट हमारी पोजिशन है, करीब 2300 बसेस हमने एनरोल कर ली हैं। इसके अलावा हमारा जो है स्टाफ है, उनकी छुट्टियां भी बिल्कुल रद्द कर दी गई हैं। 1 से 15 तक कोई भी छुट्टी नहीं करेगा और सभी जो है युद्ध स्तर पर इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार है।
दिल्ली के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदन की लकड़ी जब्त हुई है। चंदन की लकड़ी गुड़गांव के पास धारूहेड़ा में बरामद हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोदाम में चंदन की लकड़ी भरी है। गोदाम की जांच करने पर वहां करीब 500 टन चंदन की लकड़ी मिली। ये जो जब्त चंदन की लकड़ी है 100 करोड़ से ज्यादा है और ये लकड़ियां काफी पुरानी है। इन लकड़ियों को कई सालों से यहाँ जमा किया जा रहा था। गोदाम मालिक का कहना है कि उसने गोदाम गुड़गांव के एक ग्रुप को किराए पर दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक सूचना मिली थी कि धारोड़ा क्षेत्र के अंदर कहीं पर चंदन की लकड़ी को स्टोरेज किया जाता है। उस सूचना को डेवलप किया और गोदाम जो है नंदरापुर बास धारोड़ा से नंदरापुर बास रोड के ऊपर ढूंढ निकाला। उसमें चंदन की लकड़ी है एक रेट और 600 क्विंटल के आसपास जो डीएफएसओ ने हमें सूचना दी है उसके मुताबिक होगी। उसकी एग्जैक्टली अभी पैमाइश वगैरह उसकी नापतोल और उसकी रेट वगैरह लगाने का काम चल रहा है और हो सकता है 100 करोड़ की हो और 100 करोड़ से ज़्यादा की भी हो या उससे कम की भी हो, लेकिन जब तक सुनिश्चित हमारे पास में पूरा वेट और नापतोल के बाद में नहीं हो जाता तब तक हम कह नहीं सकते। अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। तेलंगाना में सूखे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के कराए गए महायज्ञ के दौरान भीषण आग लग गई है। महायज्ञ का आयोजन मेढक में सीएम चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस में किया गया। घटना के वक्त खुद सीएम चंद्रशेखर राव पंडाल में मौजूद थे। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को काफी देर तक आप देखिए कैसे मशक्कत करनी पड़ी है। रात की बात ये रही है कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। 5 दिन तक चलने वाले इस महायज्ञ का आखिरी दिन था। तेलंगाना आंध्र समेत कई राज्यों के लोग इस महायज्ञ में शरीक हुए। बताया ये भी जा रहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी आज इस महायज्ञ में शामिल होना था, लेकिन ये जो हादसा हुआ है जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति ने अपना प्रोग्राम इसलिए कैंसिल कर दिया है।